शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बच्चों के बैग का वजन कम करने व बैगलेस करने के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने इंग्लिश मीडियम बैग फ्री करने के लिए प्रदेश भर के 83 टीचरों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी दे दी है। इसको मास्टर ट्रेनिंग बनाए जाने के बाद प्रशिक्षण पाए शिक्षक स्कूलों में जाकर अन्य टीचरों को बच्चों को इंग्लिश मीडियम के साथ साथ बैगलेस करने की तरफ भी कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। कि वैसे तो विभाग ने डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज स्कूलों को चयन किया है। हमारे ब्लॉक से भी जो है रिवाड़ी खेड़ा ब्लॉक मतलब स्कूल है जो बैग फ्री रखा गया, इंग्लिश मीडियम रखा गया है, और उसके अलावा बांबला को भी लिया गया है। तो इन स्कूलों में बच्चों को जो है वहीं पर ही होमवर्क कराया जाएगा और वहीं पर ही बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। इसके लिए अध्यापकों का जो ज़रूरी प्रशिक्षण है वो करा दिया गया है। तो अब जो है ये एक नया कंसेप्ट है और एक नई शुरुआत है कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी जो है बच्चों को वो सब चीज़ें मिलें जो एक प्राइवेट स्कूल में माँ बाप चाहते हैं, कि बच्चों को जो है विदाउट बर्डन बिना किसी भार के जो है वो बच्चा स्कूल में जाए और बड़े ही जो है शानदार तरीके से उसको करके बाकी समय अपने जो है और गतिविधियों में अपने आप को यूटिलाइज करें, एक्टिविटी में अपनी हॉबीज़ के अंदर जो है अपना टाइम स्पेंड करें ताकि बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो किया जा सके। सर जैसा कि आपने बताया कि 2 स्कूल फिलहाल जो है अपने भिवानी ब्लॉक के अंदर होंगे जो कि बैग फ्री होंगे, उससे क्या बेनिफिट्स, किस तरह से पढ़ाई होगी सर, क्या बेनिफिट्स बच्चों को मिलेंगे? बेनिफिट मैं बता रहा हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट है इसके अंदर में, कि बच्चों के पास टाइम मैनेज करने का पूरा अवसर है कि स्कूल टाइम में ही अपनी पढ़ाई करें और घर आकर जो अपनी और एक्टिविटीज पे ध्यान दें। जो आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि भाई बर्डन डाल दिया गया है, बैग भारी कर दिया गया है, बच्चे को समय नहीं मिलता, पढ़ नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नया ये कंसेप्ट किया गया कि बच्चे को पूरी आज़ादी रहे। सर हरियाणा में अगर बात की जाए कितने स्कूल होंगे, ऐसी कोई लेटर आया सरकार की तरफ से? हाँ, लिस्ट तो आई हुई है, उसकी लिस्ट जो है हमारे पास है, तो हर ब्लॉक से उसमें स्कूल चयनित है। लिस्ट तो मेरे पास है 119। जी सर, कितने स्कूल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में इस साल से शुरू हो जाएगा? नहीं, विभाग द्वारा देखो ना, 6th और 9th क्लास में जहाँ 2-2 सेक्शन है वहाँ एक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का शुरू किया जा रहा है। अब भिवानी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो भिवानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल डाणी हनुमान है, GSS खरक कला है और पालवास के अंदर है। तो इन स्कूलों के अंदर हमने जो है एक एक सेक्शन जो है इंग्लिश मीडियम का शुरू करवाया है। सर अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में कितने होंगे, कोई जानकारी मिल पाई है? स्टेट का तो वो लिस्ट में जो स्कूल अटैच है उनमें जो है चेक किया जा सकता है। सर हमारे लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ने के लिए अब सरकारी स्कूल भी जो है इस मुहिम में जुड़ गया था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पास किए, अभिभावक भी ज़्यादा सरकारी स्कूल में दाखिले। देखिए, हम जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास पूरी फैकल्टी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पेरेंट्स जो है खुद आगे इन चीज़ों को बेशक चेक कर सकता है, और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा को सही मतलब जो है डायरेक्शन मिले, उसको जानकारी मिले। ये ठीक है कि उनका प्रचार थोड़ा सा ज़्यादा है, हमारे प्रचार थोड़ा सा कम है, इस वजह से चीज़ें पीछे रह जाती हैं। यदि अभिभावक और हमारे जो है स्टाफ के साथ मिलके अगर चलेगा, जिस दिन भी चल जाएगा उस दिन डेफिनेटली जो है बच्चों को निशुल्क भी शिक्षा मिलेगी और गुणवत्ता भी मिलेगी। 8 और 9 अप्रैल को हमारे 2 दिवसीय प्रशिक्षण नीलोखेड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में MT के रूप में दिया गया, जिसमें ये बताया गया था कि विद्यालय को बैग फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को किस तरह से चलाना है और इन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है। जब हमने आकर अपने विद्यालय के बच्चों से बात की तो बच्चे बहुत ही उत्साहित हुए। बच्चों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें जो बस्ते का जो बोझ है वो ढोकर लेकर जाना कठिन लगता था, अब हम यहीं पर ही बैठकर विद्यालय समय में ही 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे और ये कार्य करने के लिए हमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी और हम निर्विघ्न होकर इस कार्य को संपन्न करेंगे।
भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। समय समय पर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिए एसटीवी के साथ।